नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एक्सप्रेस पे। और दोस्तों, जैसा कि इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे, यहां पे कुछ क्रेडिट कार्ड्स हैं जिसमें है गाइस। पहला, जैसा कि आप ये देखिए, ये है वन प्लस का क्रेडिट कार्ड, सॉरी वन क्रेडिट कार्ड विच इज़ पावर्ड बाई वीज़ा सिग्नेचर। उसके बाद है दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास paisabazaar.com की ओर से जो इशू किया जाता है विद पार्टनरशिपिंग ऑफ SBM बैंक स्टेप अप क्रेडिट कार्ड। उसके साथ साथ मेरे पास भारत पे का पोस्ट पे कार्ड भी है और तमाम ऐसे बहुत सारे कार्ड्स हैं मेरे पास। और इनमें सबसे जो कॉमन बात ये है कि ये सभी जो है एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड है। सिक्योर क्रेडिट कार्ड इन द सेंस कि ये सभी जो है FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड्स हैं। अब दोस्तों, जो मेन का क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उनसे जो है अलग कैसे होता है, ठीक है। एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड होता है और जैसा कि मैंने बोला ये कि FD बेस्ड सिक्योर क्रेडिट कार्ड है। दोनों में अंदर क्या होता है दोस्तों कि जो मेन क्रेडिट कार्ड होता है, जो एक्चुअल में जो क्रेडिट कार्ड होता है, मैं उसको ये बोलूँगा, वो बैंक आपको देता है अपनी गारंटी पे। जो भी आपको लिमिट प्रोवाइड करता है बैंक, लगभग किसी को 50,000 का, किसी को 1,00,000 का, तो वो आपका क्रेडिट स्कोर के ऊपर, आपका जो भी आपका एक क्रेडिट हिस्ट्री है, सिविल स्कोर, उसके ऊपर बैंक डिसाइड करके अपने ट्रस्ट पे आपको एक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है। उसके लिए आपसे केवल KYC डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं। बदले में आपको कोई FD नहीं करवाना होता, कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं, ठीक है। मतलब कार्ड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इशू किए जाते हैं। तो एक्चुअल में वो हुआ एक नॉन सिक्योर क्रेडिट कार्ड। वही जो गाइज यहाँ पे वैसे क्रेडिट कार्ड जिसके बदले में बैंक वाले आपसे जमानती राशि लें। जमानती राशि मतलब कि वो आपको एक फिक्स अमाउंट का फिक्स डिपॉजिट करने के लिए अपने पास बोलें, मतलब उसके बदले में आपसे कैश लें, और जितने का आप उनके पास अपना गिरवी पैसे रख रहे हो, जितने का आप फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हो, वो उतने का आपको क्रेडिट कार्ड दे देते हैं, क्योंकि उसमें उनका तो कुछ जा नहीं रहा, ठीक है। आपका क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, आपका सिविल स्कोर क्या है, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितना अमाउंट का वो आपको लिमिट प्रोवाइड कर रहे हैं उतना आपके पैसे ऑलरेडी उनके पास हैं। तो ये होता है सिक्योर क्रेडिट कार्ड जिसमें बैंक आपकी कोई गारंटी नहीं लेता है और यहाँ पे आपका सिविल स्कोर या फिर आपका क्रेडिट हिस्ट्री कोई मायने नहीं रखता है। सो दोस्तों, लगभग मेरे पास ऐसे 3 से 4 ऐसे क्रेडिट कार्ड हैं जिसमें सबसे पहला मैंने क्रेडिट कार्ड जो बनवाया था वो था वन कार्ड, ठीक है। ये भी इसका जो मेन बैंक है, पार्टनर बैंक, वो भी SBM बैंक ही है। और उसके बाद जो है paisabazaar.com का जो स्टेप अप क्रेडिट कार्ड था, इसका भी जो मेन पार्टनर बैंक है वो SBM बैंक ही था। SBM बैंक ऐसे में बड़ा चालू है, वो लोगों का जो है डिपॉजिट अपने पास रखता है और अपना वेल्थ क्रिएट करता है, दैट इज़ अ प्राइवेट वेल्थ। सो गाइज, उन्हीं एक्सपीरियंस के बेसिस पे, चूँकि मेरे पास 3 से 4 से ज़्यादा कार्ड हैं, तो मैं एक्चुअल में जो आज मैं बोल रहा हूँ ना, ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है। और अगर आप भी इन फ्यूचर अगर आप ये सोच रहे हैं या अभी आप चाहते हैं कि आप FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि मैं आपको अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा एज अ फाइनेंस कंसल्टेंट कि आपको FD कार्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मैं ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा, मैं सीधे वन वर्ड में बोलूँगा, सीधे शब्दों में नहीं। आपको कभी भी गलती से भी FD करवा कर क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यार देखो, क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है, क्रेडिट कार्ड का जो असली एक मज़ा है, क्रेडिट कार्ड का जो एक असली फ्रीडम है, वो यही है कि बैंक अपनी ओर से आपको गारंटी दे, जो लिमिट प्रोवाइड करे, आप उस अमाउंट को यूज़ करो या फिर EMI में कन्वर्ट करो, और जब उसका बिल साइकिल हो तो आप ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दो। अगर आपको क्रेडिट कार्ड के लिए पैसे जमा करने पड़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये एक इंसल्ट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक अपने आप में एक इंसल्ट है कि यार आप इस लायक भी नहीं हो कि आपको कोई बैंक आपके ऊपर ट्रस्ट करे, ठीक है, कोई बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दे, और ज़बरदस्ती जो है आप क्रेडिट कार्ड पाने के लिए उनके पास जा रहे हो, फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हो, और आपको उससे भी कम, मतलब जितना आप फिक्स डिपॉजिट करते हो उससे भी कम आपको जो है 90% आपका जो टोटल अमाउंट होता है FD का, उसका 90% जो है आपको यहाँ पे लिमिट प्रोवाइड की जाती है। मतलब कि आपका जो 10% जो आपका अमाउंट था वो ऐसे ही वो स्टक हो चुका है, ठीक है। और जो आपके FD के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है वो वही 6.5 to 7.1, जो कि अगर आप सालाना देखेंगे तो अगर आप 5,000 रुपये का भी FD करवाते हैं तो सालाना आपका 150 से 200 रुपये बनेंगे, जो कि कोई वैल्यू नहीं रखता है।
एक साल बाद 5,000 में अगर आपको कोई 200 रुपया ज़्यादा भी देता है तो कोई वैल्यू नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि कोई आपसे उधारी ले कि भाई मुझे 5,000 रुपये दे दो, मैं तुमको अगले साल 5,000 और बदले में 200 रुपये और दूंगा, 5,200 रुपये दूंगा। तो बताओ आप किसी को 5,000 रुपये दोगे क्या? व्यवहारिक सी बात है यार कि आपका एक साल तक आपका जो अमाउंट है वो कहीं पे फंसा हुआ है और अगले साल आपको 200 रुपये 150 रुपये आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर समझो कि इंटरेस्ट बिल्कुल ना के बराबर है। और वही पैसे आपको जो है क्रेडिट कार्ड आपको लिमिट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, चलो ये भी सही है। उसके बाद क्या है, अगर आप ड्यू डेट मिस करेंगे तो आपके ऊपर पेनालिटी लगाएगा। मतलब आपने अपने ही पैसे यूज़ किए हैं, ठीक है ये, क्योंकि नॉन सिक्योर क्रेडिट कार्ड तो है नहीं कि आप बैंक वालों के पैसे यूज़ कर रहे हो तो भाई वो उसके ऊपर पेनालिटी लगाएंगे। यहाँ पे क्या होगा कि आप सबसे पहले अपने ही पैसे का एफडी करवाओ और उसी पैसे का वो आपको लिमिट प्रोवाइड करेंगे, और उसी लिमिट को जब आप यूज़ करेंगे अगर आप टाइमली रीपेमेंट नहीं करेंगे तो वो उसके ऊपर आपको पेनालिटी लगाएगा। मतलब ये तो अपने ही पैसे फंसाओ और उसी के ऊपर और पेनालिटी दो और एक तरीके से जुर्माना दो, तो ये तो बिल्कुल नॉनसेंस वाली बात हो गई। दूसरा यहाँ पे क्या है कि आपको एनुअल यहाँ पे कार्ड चार्जेस देने पड़ेंगे, तो जितना आपको इंटरेस्ट नहीं मिला उससे ज़्यादा आपको एनुअल चार्ज लग जाएगा क्रेडिट कार्ड का। चलो ये तो बात हो गई। और उसके बाद क्या है दोस्तों कि अगर आप गलती से भी अगर आपने क्रेडिट कार्ड का अगर आप 70% से ज़्यादा आप यूटिलाइजेशन करते हैं तो आपका सिविल और ज़्यादा ख़राब होगा। जो कुछ एक बची खुची उम्मीद थी कि आगे जाकर आपका सिविल स्कोर सुधरेगा और आपको कुछ अच्छे अच्छे बैंक जो हैं, जो मेन बैंक हैं और जो ओरिजिनल क्रेडिट कार्ड होता है वो आपको देंगे, तो ये उम्मीद भी आपकी यहीं पे ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि क्या होता है, इन सभी जो क्रेडिट कार्ड कंपनियां हैं ये जो इनका जो हर मंथली रिपोर्ट करती है सिविल को, सिविल बेसिकली क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल का जो है ना वहाँ पर ट्रांजेक्शन उनका हिस्ट्री होता है कि उनका रीपेमेंट हिस्ट्री कैसा है और उनका जो है क्रेडिट कार्ड के ऊपर डिपेंडेंसी कैसी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी को 2,000 रुपये का लिमिट मिला और वो हर महीने 2,000 रुपये यूज़ कर रहा है, तो एक तरीके से मतलब वो ये मानेगा सिविल कि ये बंदा जो है गरीब है, इसकी कुछ इनकम नहीं है और ये उसी क्रेडिट कार्ड पे पल रहा है। तो जब ये रिपोर्ट वो बाकी बैंकों के साथ शेयर करेगा तो बैंक तो आपका ऐसे ही उनका ट्रस्ट है वो आपके ऊपर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज कभी भी मैं कह रहा हूँ और ये देखो यार, अगर आपके पास अगर आप एफडी करवा रहे हो और आप अपने ही पैसे का यूज़ करो तो उससे बेटर तो है डेबिट कार्ड है। आप अपने पैसे सेविंग्स अकाउंट में रखो ना, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और आपका पैसा सिक्योर है आपके पास, और आप जब मर्जी आप डेबिट कार्ड का यूज़ करके जो है आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हो, यहाँ पे कोई रीपेमेंट का झंझट नहीं है। आपको आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर तो नहीं रहेगा ना यार कि मैंने जो इतने पैसे खर्च किए हैं वो मुझे रीपेमेंट भी करना है अगले महीने। डेबिट कार्ड में क्या है कि आपके अपने पैसे हैं, जब मर्जी यूज़ करो या फिर छोड़ दो, पूरा अकाउंट खाली कर दो। तो वहाँ पे क्या है कि आप किसी के ऊपर आपका कोई कर्जा नहीं रहेगा, तो वहाँ पे आपको एक अल्टीमेट फ्रीडम मिलेगा। बट एफडी वाले कार्ड में क्या है कि आप अपने ही पैसे को यूज करो और फिर वही पैसे चुकाओ, भी नहीं चुकाओगे तो पेनाल्टी लगेगा। सो दोस्तों ये कुछ ऐसे की हाइलाइटेड पॉइंट थे जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं नहीं चाहता यार कि आप लोग भी कुछ ये छोटे मोटे कार्ड वार्ड जिसपे आपको 2,000 रुपये 3,000 रुपये का लिमिट प्रोवाइड हो, क्या फ़ायदा है ऐसे क्रेडिट कार्ड का, उससे बेटर है कि आप डेबिट कार्ड यूज़ करो। मैं कहता हूँ कि आप अपना सिविल स्कोर सुधारो, ठीक है, आप फाइनेंस करवाओ ना, आप पर्सनल लोन वगैरह लो, वहाँ से ईजिली जो है आपका सिविल स्कोर बूस्ट होगा। और जो भी मेन बैंक्स हैं लाइक HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस जैसे तमाम बैंक जो हैं, ये आपको जो लिमिट जो है क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करेंगे, लिमिट प्रोवाइड करेंगे। सो गाइज आई होप कि आज के इस वीडियो से आपका जो कन्फ्यूज़न था ना कि आपको FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये पूरी तरीके से दूर हो चुका होगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ और फाइनेंशियल जानकारी चाहिए, किसी प्रकार का कुछ और आपको नॉलेज लेना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में। और आप चाहते हैं कि हम बार बार यूं ही मिलते रहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड ऑफ कोर्स टेक अ गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।